हमारे मन में काफी नकारात्मक सोच आती रहती है, तो एक तीन चीजें करो तो नकारात्मक सोच 100% कम हो जाएगी। तो आइए आज के वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी नकारात्मक सोच हमको आती रहती है। हमारा जो अंतर्मन है उसमें कम से कम 50,000 से 60,000 थॉट्स दिन भर में आते रहते हैं, और मैक्सिमम थॉट्स उसमें के जो है वो नकारात्मक ही रहते हैं। एक तो ये थॉट्स आप ही आप आते हैं, और जो थॉट्स, जो विचार आप ही आप आ रहे हैं वो एक तो सकारात्मक रहेंगे या नकारात्मक रहेंगे, मैक्सिमम नकारात्मक रहते हैं जो आप ही आप आते हैं। सकारात्मक सोच कौन सी है कि जो सकारात्मक सोच एखादी बार आती है कि मैं ये दोस्त के साथ में कल पिक्चर को गया था, पिक्चर में बहुत मजा आ गया, फिर उसके साथ में कैसा एंजॉय किया, या मैं कोई मेरे गर्लफ्रेंड के साथ में गया था उसके साथ में कैसी मजा आया, मैं फैमिली के साथ, मतलब ऐसा कुछ तो भी पास का अच्छा इंसिडेंट दिमाग में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, और वो सोच आप कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है, वो सकारात्मक विचार, कोई प्रॉब्लम नहीं। नकारात्मक विचार क्या है? नकारात्मक विचार बार 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 निगेटिव आते रहे, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर मैं फेल हो जाऊंगा क्या, फिर वो मुझे डांट देगा क्या, मेरी तरक्की होंगी कि नहीं होंगी, मेरा पैसा लॉस हो जाएगा क्या, मुझे सफलता मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, वो ऐसा क्यों करती है, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, वो ऐसा क्यों करता है, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो मान, ऐसे कंटिन्यू निगेटिव विचार आते रहेंगे। एक तीसरा जो है वो है थिंकिंग, मतलब आप थिंक कर रहे हैं राइट नाउ, आप एक्टिवली थिंक कर रहे हैं। जब आप थिंक करते हैं मतलब अभी ये क्षण में आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या क्या करना है अभी, इस ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम आप लिख रहे हैं और वो आइटम के मुताबिक थिंकिंग सोच सोच के, समझो आपको एक साल का प्लानिंग बनाने का है, आपको एक पेमेंट का प्लानिंग बनाने का है, आपको कहीं से कहीं चीज़ें लाना है उसका प्लानिंग बनाने का है, आपको कहीं टूर पे जाना है उसका प्लानिंग बनाने का है, तो वो थिंकिंग हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जब थिंकिंग करते हो तो प्लानिंग अच्छा कर देते हो। जब पास के बारे में नकारात्मक आते हैं तो वो प्रॉब्लम कर देता है हमको, तो उसके बारे में मैं तीन बातें आपको बताता हूँ। तो आइए नंबर वन, हमको क्या करना है, हमको अपने अपने नकारात्मक सोच को देखते रहना है, मतलब वॉच करना है। जब उसको आप वॉच करेंगे, हम बोलते हैं वॉच द थॉट, जब आप वॉच करेंगे उसको देखेंगे तो फिर वो विचार धीरे 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 कम हो जाएंगे। मतलब ये देखना है कि एक थॉट आ गया, वो थॉट चालू है, फिर दूसरा थॉट आ गया तो फिर पहला निकल गया, फिर तीसरा आ गया तो दूसरा वाला निकल गया। हो सकता है कि एक थॉट ऐसा है कि मैंने मेरे फेसबुक के ऊपर, मेरे वॉल के ऊपर मैंने पोस्ट डाला, उसको कितनी लाइक आई, कितनी लाइक नहीं आई, तो उसके बारे में नेगेटिव विचार आ रहे, किसने मुझे कुछ अच्छा कमेंट दिया, किसने मुझे उसके ऊपर कुछ कमेंट दिया, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ कुछ उसमें आएंगा। तो वो देखना, वो एक थॉट आ रहा है, फिर दूसरा थॉट आ रहा है कि एक दूसरा एक पोस्ट फेसबुक के ऊपर आ रही है जिसमें बताया गया कि मेरा मित्र जो है वो अपने दोस्तों के साथ में बगीचे में घूम रहा है या मार्केट में जा रहा है, वहाँ कोई खरीदी कर रहा है और वहाँ से वो पोस्ट भेज रहा है और वो देख रहा है, तो भाई मुझे जाने नहीं मिला, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो अकेला कैसे गया, बाकी दोस्तों के साथ में कैसा गया, वो एक थॉट आ रहा है। तीसरा कोई थॉट और आ रहा है कि मैं कब मेरा और पोस्ट करूं, मतलब ऐसे विचार के बारे, तो उसको देखो। देखो ट्रैफिक पुलिस जो है वो जब चौक पे खड़े रहता है, स्क्वायर पे खड़े रहता है, वो करता कुछ नहीं है, मगर वो है वहां खड़ा ट्रैफिक पुलिस, तो काफी लोग फिर नियमों का पालन करते हैं, समझे। वहां ट्रैफिक पुलिस खड़ा ही नहीं है तो फिर क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन चल हो जाएगा, लोग कैसा भी ड्राइव करेंगे और धिंगाना हो जाएंगे वहाँ। जब ट्रैफिक पुलिस हो लेते हैं लोग, तो एकदम लोग सतर्क हो जाते हैं और ट्रैफिक लाइन पे चलता है। तो वैसे ही आपने अपने विचारों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस का काम करने का है और अपने विचारों को देखने का है, तो होगा नंबर एक। नंबर दो जो है वो अपने जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी घटना हुई है, जिसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं, तो वो वहीं टिकती है, वो जाती नहीं है। तो जो रेजिस्ट करता है उसको उसको विरोध नहीं करने का, जब विरोध नहीं करेंगे उसका स्वीकार करेंगे तो विचार वो निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ में वो साल भर थी, अब उस वो और कहीं दोस्त के साथ में, मेरे दोस्त के साथ में वो चली गई निकल के, अभी मुझे मिलती भी नहीं है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसके बारे में विचार आ रहे हैं और वो आपको सता रहे, आप काम नहीं कर पा रहे, बार बार वो विचार आ रहा है, अभी आपका क्या काम है। आपको ये देखना है कि अभी जो है उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, क्योंकि अभी आप कुछ कर तो सकते नहीं है, करके करेंगे कि आप अपने आप को टेंशन दे रहे, अपने आप को एंग्जाइटी दे रहे, अपने आप को डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि विचार कर रहे हो तो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, अच्छा लगता नहीं है, खाने पे इच्छा नहीं है, कोई नींद नहीं आ रही बराबर। अरे जो हुआ वो चली गई, दूसरे दोस्त ने, आपके दोस्त ने उसको लेके निकल गया है, वो अब वो हो चुका है, वो अतीत है, वो पास्ट है, उसका स्वीकार करो। तो ये नंबर दो है कि आप उसका स्वीकार कर लो। तीसरा है, जब आप रोज सेल्फ हिप्नोसिस करेंगे ना, सेल्फ हिप्नोसिस, स्वयं सम्मोहन, और स्वयं सम्मोहन करके
उसमें आत्म सुझाव देना। मेरे अनेक वीडियो में स्वयं सम्मोहन के बारे में मैंने बोला हुआ है कि स्व सम्मोहन कैसा करना, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे देना, स्वीकार करने के अफर्मेशंस कैसे देना और अपने आप को कैसा पावरफुल बनाने का है। सबकॉन्शियस माइंड में सजेशंस डाल के, सकारात्मक सूचनाएं डाल के, विजुअलाइजेशन करके अपने आप को पावरफुल कैसे करना और नकारात्मक विचार कैसे बाजू में रखना। जस्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ कि ऐसे विचार है, समझो यहाँ उठा के ऐसे बाजू में रख दिए ताकि अभी माइंड फ्री है, मतलब वो विचार जो है, विचार आ रहे हैं ठीक है आने दो उसको, उसकी प्रैक्टिस सम्मोहन की अवस्था में करना, वो मैं सिखाते रहता हूँ। तो ये आप करेंगे ये प्रैक्टिस तो डेफिनेटली नकारात्मक विचार जो है, नकारात्मक सोच जो है वो 100% बंद हो जाएगी। आपको बहुत आनंद मिलेगा अपने जीवन में, आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छी हो जाएंगी और आप जीवन में मजा ले पाओगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर डेफिनेटली लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।